हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक सिंगल कलर का ये लेडीज़ कार्डिगन का पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों की फ्रॉक के घेरे में भी अप्लाई कर सकते हो, लड़कियों के कार्डिगन में भी, टॉप में भी इस पैटर्न को आप अप्लाई कर सकते हो। बनाने में बहुत ही आसान है और इसमें जो आपने फंदे डालने हैं वो 18+1, तो मैंने इसमें जो है ये 19 फंदे डाले हुए हैं। 18 और प्लस 1 19, 19 फंदे मैंने इसमें डाले हुए हैं। और ये जो है 12 सिलाइयों का पैटर्न है, 12 सिलाइयों में ये बनकर तैयार हो जाता है। इसकी ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड से सारे सिलाइयाँ जो हैं इसकी उल्टी बनेंगी। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा ये पैटर्न अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट साइड पहली सिलाई, राइट साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालनी है, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक दो तीन फंदे सीधे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बनानी है, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे। राइट साइड की पहली सिलाई है ये, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली डालनी है और लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। ये फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। पहली सिलाई में क्या किया, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा जाली डाली, जाली डालने के बाद एक फंदा सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा, तीन उल्टे, एक सीधा, और फिर जाली डाली और लास्ट के फंदे को सीधा। उल्टी सिलाई सारी उल्टी बनानी है। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है ये। आसान सा पैटर्न है और 12 ही सिलाइयों का ये आपका ये पैटर्न है। जल्दी से बनने वाला ये डिज़ाइन है, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रॉन्ग साइड सारी सिलाई उल्टी, उल्टी सिलाई सारी जो है उल्टी ही डाली जाएंगी। अब तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, पहली सिलाई की तरह ही बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप किया और ये जाली से बना पहले फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, ऊन पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, ऊन को पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को आगे किया, तीन फंदे उल्टे बुने। एक फंदा सीधा, धागा आगे किया, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे किया, जाली डालनी है तो दो फंदे सीधे, एक दो। उल्टी सिलाई सारी उल्टे। उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये पांचवी सिलाई राइट साइड से, पहले तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर धागा आगे करेंगे, जाली डालनी है, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, उनको आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, उनको आगे लेके आएंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, उन आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, उन आगे लेके आएंगे, जाली डालनी है और आगे के तीन फंदे सीधे। उल्टी सिलाई जो है हमारी सारी उल्टी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो है तीन जालियां तक इसे बना ली है, एक दो तीन, छह सिलाइयां बना ली हैं हमने। छह सिलाइयों में हमने जो है तीन सिलाइयों में हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमने फंदों को घटाना है, जाली हमारी चलती चलेगी। तो पहले तीन, एक दो तीन, ये चार फंदे सीधे बुनेंगे और जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा।
अब हमने फंदों को घटाना है, तो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे लेके जाएंगे, दो फंदे उल्टे ऊन पीछे लेके जाएंगे, और ये एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इन दो फंदों को हम एक करेंगे क्योंकि अब हमने फंदों को घटाना है। धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब ये एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इससे जो हमने दो का एक कर देना है। धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधे को दो का एक करेंगे। धागा आगे करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इन्हें दो फंदों का एक करेंगे। धागा आगे करेंगे और ये चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, उल्टी सिलाई सारी उल्टी। ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी है सीधी सिलाई, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब फिर हमने फंदे घटाने हैं, पहले हमने दो फंदे उल्टे बुने थे, अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक ही एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इसे हमने दो का एक कर देना है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा उल्टा और एक सीधा, इन्हें दो फंदों का एक बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधे का दो का एक कर देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा उल्टा और एक सीधे फंदे को दो का एक बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और ये जाली डालेंगे, जाली से आगे वाले सभी फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे और उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुनेंगे। ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारे पैटर्न की जो है 11वीं सिलाई है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे सीधे बुने, फिर जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब हमने क्या करना है, एक फंदा ये उल्टा है और एक सीधा है, इसे दो फंदों का एक कर देना है। फिर आगे दो, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों का एक करना है। फिर आगे एक उल्टा एक सीधा है, फिर दो फंदों का एक बनाना है। आगे भी आपका एक उल्टा एक सीधा है, दो फंदों का एक, यानी कि हमने चार बार दो का एक दो का एक दो का एक दो का एक बनाया। फिर धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे और जाली के बाद के सभी फंदे एक दो तीन चार पाँच छः फंदे सीधे बनाए और उल्टी सिलाई सारी उल्टी। ये पैटर्न का 12वीं सिलाई और लास्ट सिलाई है, उल्टी सिलाई सारी उल्टी बनानी है। इस तरह से जो है ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न जो है बनकर तैयार हो गए हैं। 12 सिलाइयों का पैटर्न है। पहली तीन सिलाइयों में जो है हमने फंदों को बढ़ाना है। पहली तीन जालियां जब हम डालेंगे तो तीन जालियों में हमारे जो है ये छः सिलाइयों में हमारे फंदे बढ़ेंगे और आगे छः सिलाइयों में हमारे फंदे घटते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये पैटर्न को, 12 सिलाइयों के पैटर्न को रिपीट करते चले जाना है और एक शानदार पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लगेगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।